दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ हुनर हाट रामपुर उत्तर प्रदेश। मुझे जानने वाले ज़रूर जानते हैं कि हस्तकला मेरे कार्य क्षेत्र से संबंधित है, तो मेरे दिल के तो करीब है ही, लेकिन मैं इसे आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर ब्रांड्स के चकाचौंध में हम अपने देश के हुनर को, उसकी कला को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसके करीब आने पर शायद ही आप इसके आकर्षण से अछूते रह पाएं। हमारा देश दस्तकारों, शिल्पकारों की स्वदेशी विरासत से भरपूर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कारीगरों की जो पकड़ है, उनका जो कला कौशल है, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इसे पर्याप्त मौका और मार्केट नहीं मिलता, और इसी वजह से हमारी सरकार इनके लिए बहुत सारे आयोजन करती है, जैसे कि ये हुनर हाट, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर हुनर के उस्तादों को, स्वदेशी उत्पादनों को बहुत व्यापक मौका मिलता है कि वो मार्केट के जरिए अपने आप को और विस्तार दे सकें। ये हुनर हाट भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों का एम्पावरमेंट एक्सचेंज साबित हो रहा है। अपने देश के इन कलाकारों से मिलने का, उनकी कला को नज़दीक से देखने का मैं तो मौका शायद ही छोड़ती हूँ। और एक बार इस तरह के मेले में, जो कि शिल्प से जुड़े होते हैं, हस्तशिल्प से जुड़ा जिनका कारोबार होता है, बस मैं तो यहीं रह जाना चाहती हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ यहाँ लगी दुकानें, और मैं 160 से शुरू कर रही हूँ। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए तो एक मंच है ही, जहाँ पे साथ ही साथ पूरे देश की विविधता दिखती है, लेकिन शिल्प कला के साथ साथ हमारे खान पान की भी दिखती है। इडली, डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी, खमन खांडवी, बिहार का लिट्टी चोखा, वेज नॉन वेज, देश के हर कोने का स्वाद ऐसी प्रदर्शनियों में ज़रूर मिलता है, जहाँ आप सिर्फ कला और संस्कृति से जुड़ते हैं, साथ ही साथ देश के खान पान का भी आनंद लेते हैं। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से मेला आयोजित किया गया है, और ये 18 तारीख को, 18 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, और आज 27 को इसका समापन होना है। और आत्मनिर्भर भारत जो है, उस
थीम पर है, वोकल फॉर लोकल, लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें 27 राज्यों के यहाँ पर दस्तकार आए हुए हैं जिनके स्टॉल लगे हुए हैं और 185 यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं जो अलग अलग, बाकी छोटे छोटे शहरों में भी इस तरह का एक्टिविटी होंगी। कैसा रहा इस बार मिले? बहुत सफल रहा, और रामपुर में अमूमन इस तरह के कार्यक्रम होते रहते थे लेकिन इतनी गैदरिंग और कोरोना काल में इतना अच्छी तरह से प्रबंधन अलग ही देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा मिला। हुनर हाट एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताएं, पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश का शानदार लेदर का काम, तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के कॉपर के उत्पाद, अनगिनत संगीत वाद्य यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक, सब कुछ वाकई अनोखा है। इसके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की बहुत सारी कहानियां भी हैं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग होती हैं।
खिलाफ एक पेपर काइट का है। लॉकडाउन के बाद हमारा पहला बाजार है ये, और इतना अच्छा बाजार हमें जब जब लग रहा था यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा बाजार गया है ये। लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर समझा और परचेज करा है, अच्छा बाजार गया। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का शुक्रगुजार हूँ और नकवी सर का कि वो इस बाजार को छोटे से शहर में लेकर आए, और यहाँ पर डीएम साहब ने जितना अच्छा मैनेज करा उनका प्रशंसा करने लायक, तारीफ करते करते थक जाएंगे, तारीफ खत्म नहीं होगी। अच्छा, और एक इसमें एक कार्ड होता है कोई अच्छा मेटर लिखने के लिए, उसको ऐसे करके ऐसे क्लोज करते हैं। अच्छा, के 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी आने वालों का सिलसिला मानो थम ही नहीं रहा। पर मुझे मुरादाबाद लौटना है एक अफसोस के साथ, क्योंकि यहाँ पर हर रोज देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं पारंपरिक नृत्य, संगीत, लोकगीत, कव्वाली और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि यहाँ का प्रमुख आकर्षण होते हैं। पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने देश की कला को प्यार कीजिए, उसे बढ़ावा दीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के आह्वान ने तो भारत के स्वदेशी उद्योग में नई जान डाली दी है,
लेकिन श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के निर्देशन में जितने ही संतुलित और व्यवस्थित तरीके से इस हुनर हाट का आयोजन हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है। सच इतना सुंदर मेला है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन जल्दी हम फिर मिलते हैं किसी ऐसी जगह पर एक साथ। गुड बाय दोस्तों।